तुम यहाँ कैसे? मुझे बख्श दो। उसकी चारों ओर वही जोकर था, जोकर माखन। तभी उसका फोन बज उठा और वो डरते डरते जैसे ही फोन उठाता है, वो देखता है कि जोकर गायब हो गया था, लेकिन कॉल पर कोई नहीं। और कुछ ही देर में फोन हद से ज़्यादा गर्म हो गया और उसमें आग लग गई। उसने फोन को नीचे फेंका और चिल्ला उठा, आग! बाप रे, ये रिम्मी भी ना कहाँ फंसा दिया मुझे। इतना होने पर वो अपने घर रुकता ही क्यों। जैसे ही उसने सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाया, वो गिर गया और गेट बंद हो गया। दीवार पर कुछ धमकी लिखी हुई थी जोकर की, तू नहीं मरेगा, अब टाइम है लेकिन बंद रहेगा खुद के घर में। वहीं दूसरी ओर विवेक बिल्कुल चुप था और वो डाइनिंग टेबल पर पड़े चाकू को उठाकर जोकर को मारने के लिए जाता है, लेकिन जोकर फिर से गायब हो जाता है। ये दूसरी तरफ चार गुंडों में से दूसरा गुंडा लुफा रहा था कि गीजर गर्म हो गया और पानी की जगह नल से खून बहने लगा। वो चिल्ला उठा आह, और बाथरूम खोल दूसरे रूम जा पहुंचा और उन चारों में से तीसरे आदमी को कॉल किया और बोलने लगा, मदद। जैसे ही वो हेल्प बोलने ही वाला था, जोकर ने उसे तलवार से दो आधा कर दिया और वो फोन में घुसकर उस तीसरे आदमी यानी बिट्टू के पास पहुंचा और बिट्टू का डर कर बोला, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज बदला देना। तो वो रिमी से जोकर ने अपनी पांचों उंगलियों को घुमाया और उसके मुंह से उल्टियां दी और वो भी उनकी, और वो वहीं खत्म हो गया। ये थी हमारी कहानी छलावा, इंतकाम मौत का खेल। अगर स्टोरी पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए हैरी कौशप को और पार्ट 3 के लिए कमेंट कीजिए।